लाल आगे तो यही नहीं आप धंधा कीजिए, बिजनेस कीजिए, ठेकेदारी कीजिए और चुनाव के वक्त आप अटैची लेकर के पहुंच जाइए, टिकट लीजिए और राष्ट्रीय जनता दल में विधायक और एमएलसी से लेकर के सांसद तक बनिए। कुछ अपवाद हो सकते हैं, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सत्य है और पूरे बिहार के लोग इस बात को जान रहे हैं। आज के दिन में राष्ट्रीय जनता दल ए टू जेड पार्टी कह कर करके आजकल अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है, लेकिन ठीक चुनाव के पहले राष्ट्रीय जनता दल के जो आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हैं, उनका बयान आया चुनाव के पहले कि ए टू जेड क्या है, किस प्रकार से उन्होंने जातीय टिप्पणी किया खुले मन से, ये सब लोगों ने, हम सब लोगों ने देखा। राष्ट्रीय जनता दल का गैर राजनैतिक फैसला, ईडब्ल्यूएस का विरोध, और इसके खिलाफ तो हम लोग के माननीय स्वर्गीय रघुवंश बाबूजी ने भी कहा कि ये गैर राजनीतिक फैसला था कि ईडब्ल्यूएस का इस तरह से खुलेआम विरोध हो। अगर कोई बात होती तो उसके ऊपर आगे चल करके संशोधन की बात हो सकती थी या फिर विचार हो सकता था, लेकिन गैर राजनीतिक फैसला था। और इन सब तमाम चीज़ों की वजह से राष्ट्रीय जनता दल से आम लोगों की दूरी पहले की अपेक्षा बड़ी है। और आने वाला समय में सीट की संख्या पर नहीं जाता, मैं 13 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ, आंकड़े में देखता हूँ और मैं यह जानता हूँ कि आने वाला समय में उस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है जहाँ समर्पित कार्यकर्ताओं को रोज जलील किया जाता है। किसी प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल से नेता के बेटा के सहारे जदयू, ये बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता के सभी बेटा क्यों जदयू की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वह अपने पिता को रोज जलील होते हुए देखते हैं कार्यालयों के अंदर, इसलिए वो इस तरह की तरफ बढ़ रहे हैं। तो साथियों, बहुत बात आज नहीं करेंगे, फिर समय मिलेगा, कभी अवसर मिलेगा, हम लोग बात करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। सबसे अजीब जो मेरे साथी रामगढ़ से यहाँ चल करके आए हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। उस अवसर हम सब जानते हैं कि जिस धरती पर खड़े हैं ये सम्राट अशोक की बनाई हुई धरती है, और इसका गौरव अगर बिहार में किसी ने पुनः लाया है या भविष्य में इस गौरव को कोई आगे बढ़ा सकता है तो वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। आज़ादी के बाद सरकार दर सरकार आई, बिहार एक जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से एक जटिल प्रदेश है, लैंडलॉक है, और यहाँ पे विविधताएं भरी हुई है, भौगोलिक हो चाहे इंसानी हो, धार्मिक हो चाहे जातीय हो, लेकिन इन तमाम जटिलताओं के बावजूद सबसे बेहतरीन समावेशी विकास का अगर समाजवादी मॉडल इस देश में कहीं स्थापित हुआ है तो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। साथियों, आज इस अवसर पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है कि राष्ट्रीय जनता दल छोड़ कर करके जदयू की तरफ बढ़ने के क्या कारण हैं। तभी मैंने 2-3 लाइन में बताया कि मैं किन वजहों से हूँ, लेकिन मैं कुछ और भी बातें बताता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल समर्पित कार्यकर्ताओं का कब्रगाह बन चुका है। कहेंगे कि जो काम आप गांव में संगठित करने का काम कर रहे थे, जो प्रसार और प्रसाद का काम कर रहे थे, जो सामाजिक परिवर्तन का काम कर रहे थे, उस काम को आगे जारी रखिए। जनता दल यूनाइटेड में ऐसे लोगों की कमी है जो समर्पित भाव से गांव में जाकर काम करने का काम कर रहे हैं। उसके बाद एक और बात है, हम सब लोग जगता भाई हो, हम सब लोग जो स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पार्टी के और उनके साथ काम करके आज तक यहां तक राजनीति में पहुंचे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में एक सपना देखा, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जाने जाते थे गरीबों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज के रूप में। उनकी पहचान थी पूरे देश में और पूरे बिहार में।
हम सब लोग उनके यहाँ उनके साथ काम करते थे। और जगता भाई तो अभी कहा अजीत जी ने अपने भाषण में कि राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं उनके पुत्र लोग क्यों दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा कि उनके पिता लोग अपमानित हो रहे हैं उस पार्टी में, और पिता दर्द को नहीं समझ रहे हैं, पिता का दर्द पुत्र समझ रहा है और वापस दूसरी पार्टी में जा रहा है। हमको कभी कभी आश्चर्य होता है, कभी कभी हमको आश्चर्य होता है, जगता भाई हम सब लोग युवा लोकदल की राजनीति में एक साथ काम किए, जन स्वर्गीय जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, जीवित थे, तो उस समय जो युवा लोकदल था उसका युवा संगठन जो था लोकदल का, उसमें हम सब लोग काम करते थे। हम लोगों को जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी ने और कुछ सिखाया हो या सिखाया, नहीं सिखाया, लेकिन जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी ने यह सिखाया कि कभी भी सम्मान और आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ समझौता मत। कभी मुझको आश्चर्य होता है, कभी कभी हमको आश्चर्य होता है कि जगता भाई जैसे व्यक्ति काहे का किस बात के लिए अपमानित होके भी वहां पड़े हुए हैं, कौन किस बात के लिए अपमान सह रहे हैं। लेकिन खैर उनकी सोच अलग है, अब वो पता नहीं, हो सकता है उम्र का कुछ तकाजा हो गया हो। अभी तो अजीत जी भीतर से ज्यादा समझ सकते हैं कि उम्र के तकाजा के कारण उनका जो स्वाभिमान है और आत्मसम्मान है वो नहीं जाग रहा है, लेकिन अजीत जी का सम्मान आत्मसम्मान और स्वाभिमान जागा और वो आज हम लोग की पार्टी में। पहचान तो ये है कि वो श्री जगदानंद सिंह जी के पुत्र है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी इनकी एक पहचान है, और वो पहचान है इन्होंने बीआईटी मिश्रा से इंजीनियरिंग पास करने के बाद एक बड़ी बड़े फर्म में नौकरी करते थे, और उसको छोड़कर इनके मन में जो समाज सेवा के प्रति समर्पण का भाव था उसको छोड़कर ये आए और 13 वर्षों से सक्रिय राजनीति में रहे। सक्रिय राजनीति में सिर्फ एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नहीं थे, बल्कि इन्होंने गांव में घूम घूम कर काम करने का काम किया। गांव में जाकर इन्होंने नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम किया, गांव में जाकर इन्होंने नौजवानों को एकत्रित करने का, उनको संगठित करने का काम किया, और कई तरह की इन्होंने जो रचनात्मक काम हो सकता है वो रचनात्मक काम ये लगातार करते रहे। रूपेश जी पैक्स के अध्यक्ष हैं अभी, कि वो दूसरे दूसरी पार्टी में जहाँ वो पहले थे वो व्यापार वाली पार्टी थी और ये परिवार वाली पार्टी है, तो आज व्यापार वाली पार्टी से परिवार वाली पार्टी में आने के लिए सबों का स्वागत करते हैं, और सबों के मान सम्मान की रक्षा इस पार्टी में की जाएगी, यह प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया है। हम भी आश्वस्त करते हैं कि सबों का मान सम्मान की रक्षा की जाएगी, और इस अवसर पर पुनः उन साथियों का अभिनंदन और स्वागत करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत